अगर आप लोगों ने अभी एंजल वन के डीमैट अकाउंट में किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है और किसी रीजन से आप उस म्यूचुअल फंड के पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में चाहते हो इन्वेस्ट करना, या आप उस म्यूचुअल फंड के पैसे को बिना विड्रॉ किए किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में कैसे ट्रांसफर करें या कैसे स्विच करें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को बिना विड्रॉ किए या बिना कैंसिल किए आप कैसे दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये फीचर पहले एंजल वन में नहीं था, एंजल वन की तरफ से ये नए अपडेट आया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर से आपको एंजल वन एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले आपको अपडेट करना है और उसके बाद ही आप इस फीचर का फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा, आपको इस वीडियो में और भी कुछ जानकारी बताऊंगा, आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहना। चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको एंजल वन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया है, अभी आपको एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। उसके बाद आप देख पा रहे म्यूचुअल फंड, आपको म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जहां पर मैंने मार्क भी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, अभी आपके पास म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा, जो कि आप साइड में देख पा रहे मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर। आप नीचे में देख पा रहे इन्वेस्टमेंट, आपको सिंपली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो भी म्यूचुअल फंड रहेगा आपको पूरा यहाँ पर शो कर रहा होगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरा म्यूचुअल फंड है जो कि मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपको पूरा शो कर रहा होगा। यहाँ पर आपका जो भी म्यूचुअल फंड रहेगा आपको भी सेम ऐसे ही शो कर रहा होगा। तो मेरे पास यहाँ पर दो म्यूचुअल फंड है, HDFC का और ICICI का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी जो भी मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा एक म्यूचुअल फंड में लॉस चल रहा है, एक में मुझे फायदा हो रहा है। अभी मैं चाहता हूँ जो भी मेरा ICICI का म्यूचुअल फंड है मैं उसको किसी और म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना है। तो सिंपली आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे ICICI वाले म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देख पा रहे आपके पास कुछ नया इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का चार्ट भी आपको शो कर रहा होगा। आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो विड्रो का ऑप्शन एंड इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन, आपको इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप किसी पार्ट को मिस मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर किसी पार्ट को मिस करते हैं तो आप अपना कोई भी जानकारी को खो सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। आप इन्वेस्ट मोर के साइड में देख पा रहे हो थ्री लाइन, आपको सिंपली यहाँ पे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने म्यूचुअल फंड को किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अभी आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो भी आपका म्यूचुअल फंड रहेगा अभी आपको ऊपर में शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा ये अभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट था जो कि मुझे ऊपर में शो कर रहा है, मैं दिख रहा हूँ सिलेक्ट स्विच फंड, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास काफी सारे फंड का नाम आपको शो कर रहा होगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ आप सेफ AMC में पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाएंगे। AMC का मतलब पहले आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया है, मान लीजिए आपने HDFC का कोई भी म्यूचुअल फंड को स्टार्ट किया है, अभी आप उसको स्विच करना चाहते हैं किसी और दूसरे म्यूचुअल फंड में, अभी आपको स्विच कैसे कर पाएंगे, आपको सेम कंपनी में स्विच कर पाएंगे। अगर आपने HDFC में किया है तो आपको सेम HDFC में आपको उसको स्विच करना पड़ेगा, आप किसी अदर कंपनी में उसको स्विच नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट थी, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप सेम कंपनी में अपने पैसों को स्विच कर पाएंगे, आप किसी अदर कंपनी में इसको स्विच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास ICICI का पूरा यहाँ पर शो कर रहा है, लिस्ट आपको पूरा यहाँ पर शो करेगा, जो भी आपका कंपनी रहेगा उसी कंपनी का पूरा लिस्ट आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। अभी आपको देखना है आपको कौन सी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ICICI का लिस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं किसी भी एक ICICI को ले लेता हूँ आपको डेमो दिखाने के लिए। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। अभी आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, आपको कितना अमाउंट इसमें स्विच करना है। मेरा जो पुराना म्यूचुअल फंड है वो 980 समथिंग इन्वेस्ट था, तो उसमें से मैं 200 रुपए इसमें स्विच करना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं 200 रुपए टाइप कर देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं फुल अमाउंट को इसमें स्विच करना, आप नीचे में देख पा रहे हो बॉक्स, आपको इस पे टिक मार्क कर देना है। अभी आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आप जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था टीपिन कैसे बनाए, अगर आप लोगों को नहीं पता टीपिन कैसे बनाए तो सबसे पहले आपको टीपिन बनाना है। टीपिन बनाने के लिए वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका थंबनेल मैंने स्क्रीन पर लगा दिया जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। अभी आपको ये वीडियो देखनी है, सबसे पहले आपको सीखना है टीपिन कैसे बनाना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा आप टीपिन को कैसे बनाएं। तो सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रीजनरेट टीपिन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है।
अभी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ पर फिल करना है, जो कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको OTP फिल करके आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अब जैसे इसको वेरीफाई करेंगे आपके नंबर पर एक और OTP जाएगा, आपको उस OTP को भी यहाँ पर फिल करना है और आपको इसको भी यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अभी अब जैसे यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे साइड में देख पा रहे होंगे TPIN वेरीफाइड, देख पा रहे होंगे मेरा TPIN यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोसीड, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे थोड़ा सा वेट होगा, और थोड़ा वेट होने के बाद आपको यहाँ पर शो कर जाएगा आपका जो भी SIP था वो ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे म्यूचुअल फंड में। आप सक्सेसफुली ऊपर में आपको शो भी कर रहा होगा अभी आपको ये प्रोसीड में चला गया है। 3 से 4 दिन में आपके म्यूचुअल फंड जो भी है वो सक्सेसफुली प्रोसीड हो जाएगा आपके नेक्स्ट म्यूचुअल फंड में जिसमें भी आपने इसको स्विच किया है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ ये एंजल वन में पहले ऐसा अपडेट नहीं था, ये नया अपडेट आया था जो कि मैंने आपको बता दिया है। आप ये अपडेट अपने दोस्तों को भी शेयर करो और वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।